आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 23,961 पहुंच गया है। वहीं 330 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देहरादून में जिला कारागार से भागा शातिर आरोपी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। देहरादून के जिला कारागार से फरार आरोपी को प्रेमनगर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पीपीई किट पहनाकर थाने लाया गया। आपको बता दें कि आरोपी शौच के बहाने शौचालय गया और वहां रोशनदान की जाली उखाड़कर फरार हो गया, जो कि आज प्रेमनगर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक कोरोना पॉजिटिव, एम्स में होंगे भर्ती। कोरोना का कहर उत्तराखंड में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना का कहर सीएम ऑफिस से लेकर विधायक और कैबिनेट मंत्री तक कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका एंटीजन टेस्ट कराया गया था जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। मदन कौशिक ने एक दिन पहले ही खुद को क्वारंटीन कर लिया था। उसके बाद माना जा रहा था कि मदन कौशिक भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। दरअसल उनका एक PRO कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। मदन कौशिक भी उन्हीं के संपर्क में आ गए थे, जिनके बाद उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया था। जानकारी के अनुसार मदन कौशिक कल रात से ही हरिद्वार के निजी अस्पताल में भर्ती हो गए थे। आज उनका कोरोना टेस्ट कराया गया जिसमें उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। जानकारी के अनुसार उनको एम्स में भर्ती कराया जाएगा। उत्तराखंड ब्रेकिंग, थाना अध्यक्ष दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित युवक को गिरफ्तार कर लाए थे। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। आए दिन अब 900 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लोग बेपरवाह होकर सड़कों पर घूम रहे हैं, बाजारों में भीड़ है। वहीं कोरोना का कहर सबसे ज्यादा देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में बरप रहा है। बड़ी खबर यह है कि हरिद्वार के कनखल से है, जहाँ कनखल थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं इससे पूरे थाने में हड़कंप मच गया है। वहीं इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम थाने पहुंची और सभी पुलिसकर्मियों के सैंपल जांच के लिए ले गई। मिली जानकारी के अनुसार शराब के ठेके पर झगड़े के बाद गिरफ्तार किया गया एक युवक शुक्रवार को कोरोना संक्रमित पाया गया था। आशंका जताई जा रही है कि पुलिसकर्मी उसी से संक्रमित हुए। वहीं इसके बाद से कुछ पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच कराई गई थी, जिसमें कनखल थाना अध्यक्ष, थाने के हेड मोहिर और एक दरोगा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। थाने को सील करने की तैयारी है। वहीं रोड़ी बेल वाला पुलिस चौकी से 5 दिन बाद शहर कोतवाली को पुराने भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। सभी पुलिसकर्मी आइसोलेट किए गए हैं। पहाड़ों में वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सेवाएं, डंडी कंडी के सहारे जीवन। रविवार को अब्बला देवी को पैरालाइज की शिकायत हुई, जिसके बाद गांव वालों ने डंडी कंडी से उन्हें सड़क तक पहुंचाया। आज भी स्थिति यह है कि गांव में किसी गर्भवती और बीमार को सड़क तक पहुंचाना टेढ़ी खीर है। यौन शोषण केस, विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज। पहले पुलिस ने इस मामले में महिला की शिकायत, जो कि विधायक महेश नेगी के खिलाफ थी, मामला दर्ज नहीं किया था। इसके बाद महिला कोर्ट की शरण में गई थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विधायक महेश नेगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 37 साल बाद आराकोट त्यूनी और त्यूनी प्लासू जल विद्युत परियोजना निर्माण का रास्ता हुआ साफ। 37 साल से लंबित पड़ी आराकोट त्यूनी और त्यूनी प्लासू जल विद्युत परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम को सौंप दी है, जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस परियोजना की DPR तैयार कर इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। काशीपुर में जल्द बनेगा गौ सदन, आवारा पशुओं के मालिक से वसूला जाएगा खर्च। काशीपुर में जल्दी सड़क पर आवारा घूम रहे पशुओं के लिए गौ सदन बनाया जाएगा, जिसमें आवारा पशुओं को रखने का खर्च उनके मालिक से ही लिया जाएगा। वहीं श्रीनगर में शूटर जॉय हुकिल की गोली का शिकार हुआ आदमखोर गुलदार, लोगों ने ली राहत की सांस। देवप्रयाग में आदमखोर गुलदार को आखिरकार देर रात 12 बजे के करीब शूटर जॉय हुकिल ने ढेर कर दिया। बीते दिनों आदमखोर गुलदार ने एक मानसिक विक्षिप्त युवक को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद वन विभाग ने इस इलाके में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने के साथ साथ शूटर भी तैनात किए थे। वहीं रुद्रपुर में बच्चे के अपहरण की खबर से मचा हड़कंप, मां के पास से हुई बरामद। कोतवाली के बाजार चौकी क्षेत्र के 8 वर्षीय बच्ची के अपहरण की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं आनंद फानंद में बच्ची के पिता ने इसकी सूचना पुलिस को दी। आसपास के CCTV फुटेज खंगालने पर पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे, जिसके बाद बच्ची को उसकी ही मां के पास से बरामद किया गया। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। जानकारी के अनुसार बच्ची के पिता कैलाश और उसकी पत्नी 3 सालों से अलग अलग रहते हैं। कैलाश रुद्रपुर में ही ठेली लगाकर परिवार का भरण पोषण करता है। रोजाना की तरह कैलाश शनिवार को ठेली लगाने के लिए
लिए चला गया था। इसी दौरान उसकी माँ बिना बताए बच्ची को अपने साथ बरेली ले गई। हालांकि देर रात बच्ची के नाना ने फोन कर इस बात की जानकारी कैलाश को दे दी थी। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर पहाड़ी दर की भूस्खलन के कारण घंटों फंसे रहे सैकड़ों वाहन। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर रविवार सुबह पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया। इसके चलते सड़क पर हुए भारी भूस्खलन के कारण रास्ता करीब 4 घंटे बंद रहा। वहीं सड़क बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार भी लगी रही। सड़क बंद होने से नैनीताल और हल्द्वानी की ओर आवाजाही करने वाले सैकड़ों लोग और छोटे बड़े वाहन रास्ते में करीब 4 घंटे तक फंसे रहे। लोनी वीक के अधिकारियों का कहना है कि मलबा हटाने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू करा दी गई है। लोगों को संभल कर वाहन चलाने की हिदायत दी गई है। जब चीन सीमा को रवाना हुए सेना के वाहन तो तिरंगे लिए पहुंचे लोग, देखने लायक था मंजर। चीन सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद सेना और आईटीबीपी ने सीमा पर गतिविधियां बढ़ा दी हैं। धारचूला से चीन सीमा पर जा रहे सेना के काफिले को लोग तिरंगे झंडे दिखाकर और भारत माता की जय घोष के साथ विदा कर रहे हैं। इधर एसएसबी ने भी नेपाल सीमा पर कॉबिंग अभियान तेज कर दिया है। चीन से विवाद के बाद जहां सीमा पर चीन अपने सैनिकों को बढ़ाता जा रहा है, वहीं भारतीय सेना ने भी सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। रोजाना धारचूला से वाहन सैनिकों को लेकर सीमा की ओर रवाना हो रहे हैं। जब भी धारचूला से सेना के वाहन का काफिला गुजरता है तो सीमांत के लोग व छोटे बच्चे तिरंगे झंडे और भारत माता की जय के साथ का हौसला बढ़ाते हैं। रेलवे पास के लिए भटक रहे इंटरनेशनल बास्केटबॉल व्हीलचेयर खिलाड़ी, नहीं मिल रही मदद। बास्केटबॉल व्हीलचेयर में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी उत्तराखंड की साक्षी चौहान को सरकार की तरफ से रेलवे पास की सुविधा नहीं मिल रही है। साक्षी कई बार रेलवे और स्वास्थ्य विभाग के चक्कर लगा चुकी है। वह आज तक सरकारी सुविधाओं से वंचित है। साक्षी ने बताया कि वह रेलवे पास बनवाने के लिए कई बार रेलवे और सीएमओ कार्यालय जा चुकी है, लेकिन अभी तक पास नहीं बनाया गया है। आवेदन पर सीएमओ के स्टाम्प लगाने के बाद भी वह फॉर्म रेलवे के अधिकारी के पास जमा करने गई तो उन्होंने कहा कि सीएमओ से स्टाम्प पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखवाना अनिवार्य है। मुख्य बाजार को कंटेनमेंट जोन बनाने का व्यापारियों ने किया विरोध। सीएचसी हॉस्पिटल को बनाया जांच सेंटर। प्रशासन की ओर से टनकपुर के मुख्य बाजार को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, जिसका व्यापारियों ने पुनर्जोर विरोध किया। ऐसे में प्रशासन को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। उधर रामनगर में कोरोना के बढ़ते दायरे को देखते हुए सीएससी अस्पताल में कोरोना संदिग्धों के लिए जांच सेंटर बनाया गया है।